गुड मॉर्निंग क्लास दिस क्लास इज इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस नाउ स्टार्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस मीन्स शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है वह वाक्य कहलाता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री सेकेंड है स्नेहा इज़ गोइंग टू स्कूल एंड द थर्ड द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग तो इस सेंटेंस को ये जो हमारे सेंटेंस हैं इनको लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए तो फर्स्ट है अरेंज वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर एंड द सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड द थर्ड द एंड ऑफ सेंटेंस यूज फुल स्टॉप मीन्स हमें सेंटेंस को लिखने के लिए क्या करना चाहिए जो शब्द हैं हमारे उनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना चाहिए जो सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना चाहिए एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द लास्ट में हमें सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ करना चाहिए एंड द नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस नंबर वन असर्टिव सेंटेंस एंड द सेकेंड इंट्रोगेटिव एंड थर्ड इम्परेटिव फोर एक्सक्लामेट्री एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव नंबर वन है असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कोई भी वाक्य जो हमें किसी भी तथ्य घटना या स्थिति के बारे में सकारात्मक या फिर नकारात्मक आंसर देता है ठीक है तो इसमें इसको डिवाइड किया गया है फ़र्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हमें आंसर किस में मिलते हैं सकारात्मक मिलते हैं अंदर निगेटिव जिसमें हमें जो आंसर्स हैं वो नकारात्मक मिलते हैं तो अफर्मेटिव में हम देखते हैं शी हैज़ अ डॉल मीन्स उसके पास एक गुड़िया है शी गोज़ टू प्ले क्रिकेट वह क्रिकेट खेलने जाता है नेगेटिव में देखिए नेगेटिव में दिया हुआ है शी हैज़ नॉट अ डॉल मीन्स उसके पास एक गुड़िया नहीं है हमें आंसर नहीं में मिल रहा है इसका मतलब ये कैसा हो गया सेंटेंस नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया एंड द सेकेंड इज शी डज नॉट गो टू प्ले क्रिकेट वह क्रिकेट खेलने नहीं जाता है मीन्स इसमें भी हमें आंसर किस में मिल रहा है नहीं में इसमें नॉट भी लगा हुआ है एंड द सेकेंड पॉइंट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव मीन्स होता है जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य जिसको कहते हैं इसमें किसी भी वाक्य में क्या होता है कि जो प्रश्न है उसके उसमें प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जैसे लिखा है ही इज अ बॉय इज़ ही अ बॉय क्या वह एक लड़का है वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो इसमें भी टू टाइप्स होते हैं फर्स्ट है यस नो टाइप क्वेश्चंस एंड द सेकंड इज़ क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मीन्स जिसमें हमें आंसर यस yes या नो no में मिलता है इसका मतलब वो कहलाता है यस और नो टाइप क्वेश्चन सेकेंड है इसके एग्जाम्पल्स uh, देखते हैं इज दैट अ पेन क्या वह एक पेन है सेकेंड है हैज ही अ पेन क्या उसके पास एक पेन है तो इसमें आंसर क्या है हमें हाँ या ना में मिल जाएगा सेकेंड है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो तो इसमें आपको फुल आंसर देना होगा कि आप कहाँ रहते हैं सेकेंड है हाउ ओल्ड आर यू आप कितने वर्ष के हैं एंड द थर्ड काइंड है इम्परेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है कि हमें आज्ञा किसी से आ, कोई भी वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें किसी को आदेश देना होता है या फिर इच्छा पूछनी होती है इच्छा बतानी होती है विनती करना होता है किसी को सलाह देनी होती है या राय का भाव प्रकट करने के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं जैसे इसमें लिखा है प्लीज़ हेल्प मी कृपया मेरी मदद कीजिए तो हम क्या कर रहे हैं किसी से विनती कर रहे हैं सेकेंड है ओ योर पेरेंट्स अपने जो पे, आपके पेरेंट्स हैं उनका क्या करें आज्ञा का पालन करें मीन्स इसमें क्या हो रहा है इसमें भी विनती की जा रही है आदेश एक तरीके से या तो हम कह सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का कहना मानें तो ये हो गया आज्ञा एंड द फोर्थ इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसमें क्या होता है कि किसी भी जब हमारे मन में कोई भी अचानक से भाव आवेग उत्पन्न होते हैं तो उसको दर्शाने के लिए हम एक्सलामेट्री सेंटेंस का यूज़ करते हैं जैसा लिखा है हुर्रे यानी जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तो हम यहाँ पे हुर्रे का यूज़ किया और इसमें एक्सलामेट्री में सबसे मेन है कि इसमें ये जो मार्क दिया हुआ है ये एक्सलामेट्री सेंटेंस की पहचान होती है वी हैव वॉन द बैटल हमने युद्ध जीत लिया सेकेंड है हाउ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज़ कितनी सुंदर लड़की है वह तो इसमें भी यानी हमने किसी लड़की को देखा और वो हमें बहुत अच्छी लगी तो अचानक से हमारे मन में अगर कोई आवेग उत्पन्न होते हैं या कोई भाव आते हैं तो उसमें हम एक्सप्लामेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है कि हम अपनी इच्छा दर्शाते हैं किसी से प्रार्थना करते हैं किसी को वरदान देते हैं या किसी को अभिशाप देते हैं ऐसे भाव अगर हमारे वाक्यों में प्रकट होते हैं तो वो कहलाते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस जैसे लिखा है उसमें मे गॉड हेल्प यू मीन्स आपकी भगवान क्या करे मदद करें मे यू लिव लॉन्ग आप कई सालों तक जिएं एंड इसमें एक्सरसाइज दी हुई है जो आपको ये करना है तो इसमें दिया हुआ है नेम द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यानी ये सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें आपको इनके काइंड्स लिखने हैं ओके थैंक यू क्लास